बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, कैसे हैं स्टूडेंट्स? चलें बेटा, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे मेरी आवाज़ सुनो, हमने उसके कुछ सवालों के जवाब दिए थे और जो बाकी के रह गए हैं उनका हम आज करते हैं, ठीक है? तो आपने पेज को वैसे ही रेडी करना है जैसे पहले करते हो, तारीख और दिन के साथ और जमात का काम लिखना है। और अगला सवाल है, दरख्त काटने से क्या नुकसान होता है? जवाब है इसका, दरख्त ज़मीन को ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर दरख्त कट जाएं तो ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और उसके बाद है अगला सवाल, ये आपने ये सवाल है और ये उसका जवाब है। ये पहले लिख दिया मैंने, जवाब बाद में लिखते हुए हो गया। आपने ऐसे इसको इसी तरह लिखना है, पौधे लगाने से ज़मीन पर क्या तब्दीली आ सकती है? जवाब है इसका, पौधे लगाने से ऑक्सीजन वाफर मकदार में पैदा होगी जिससे ज़मीन का माहौल खुशगवार हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगला सवाल है, आबी मखलूक से मुराद कौन सी मखलूक है? जवाब है, आबी मखलूक से मुराद पानी में रहने वाली रहने जानदार हैं। जहरीले अगला सवाल है, जहरीले पानी के आबी मखलूक पर क्या असरात पड़ते हैं? जहरीले पानी से आबी मखलूक मर जाती है। योम अर्ज़ क्यों मनाया जाता है? योम अर्ज़ मनाने का मकसद ये है कि इंसान इन खतरात से आगाह हो सके जिनकी वजह से ज़मीन का कुदरती माहौल ख़राब हो सकता है। अगला सवाल है, आखिरी सवाल, कुदरती माहौल को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कुदरती माहौल को बचाने के लिए हम बहुत से काम कर सकते हैं, जैसे कारखानों का जहरीला मादा पानी में बहाने की बजाय ज़मीन में दफन कर दें, धुआं छोड़ती गाड़ियों की बजाय ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जाएं जिनसे कम से कम धुआं फैले, शजरकारी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि ऑक्सीजन की फरवनी हो और इंसान साफ़ सुथरे माहौल में सांस ले सके, ठीक है बेटे? अब आपने इसका भी इसकी डायरी क्या है, लर्न प्लस राइट, ये सवाल जवाब अपनी कॉपी पर लिखने हैं आपने, ठीक है? और इनको अच्छे से याद करना है। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।